पटियाला पंजाब से विक्रमजीत शर्मा जी हैं। इनका प्रश्न है कि शास्त्रों में बलि प्रथा के बारे में क्या विधि निषेध है, क्या बलि प्रथा शास्त्रीय है या अशास्त्रीय है, कृपया मार्गदर्शन करें। श्रेष्ठ प्रश्न है, लोगों की जिज्ञासा रहती है कि बलि क्या है भाई, बलि क्यों दी जाती है, ऐसी लोगों की जिज्ञासा है। सर्वप्रथम तो हम बलि शब्द का अर्थ समझेंगे। बलि माने क्या होता है? बलि माने होता है भेंट, उपहार। किसी को भेंट दी जाए, उपहार दिया जाए, यानी कि गिफ्ट गिफ्ट दिया जाए, उसे कहते बलि। और इसी से जो है बलिदान शब्द बन गया है। जो बलि महाराज एक परम भक्त प्रहलाद जी के प्रपौत्र हैं बलि, उन्होंने ऐसा दान किया कि सर्वस्व दे दिया, आत्मनिवेदन भी कर दिया, तो तब से वो बलिदान, बलि जैसा दान, तो सब अपने आप को दे देना यानी बलिदान कर देना, इस रूप में भी रूढ़ हो गया है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों का जिनका शास्त्रों में निर्देश किया गया है कि प्रजापति ने पशुओं को यज्ञ में बलिदान देने के लिए अर्थात वैदिक कर्म संपादन करने के लिए ही उनका सृजन किया था, उनको बनाया था, ये हमारे यहाँ प्रसिद्ध है शास्त्रों में। यज्ञार्थम वही पशव सृष्टा, प्रजापति ने यज्ञार्थम वही पशव सृष्टा, यज्ञ के लिए ही पशुओं का सृजन किया है। तो पशुओं का विशेषण, संज्ञापन, आलभन या बलिदान, इन शब्दों के एक ही अर्थ हैं। ये करना, बलिदान करना, विशेषण करना, आलभन करना, संज्ञापन करना, ये वैदिक शास्त्रों में यानी श्रौत सूत्रों में विहित है। वैदिक यज्ञ जैसे अश्वमेध, नरमेध, गोमेध आदि वैदिक यज्ञों में ये विशेषण का विधान है और बिल्कुल होता था, होता है, निश्चित है। हिंसा क्या है और क्या अहिंसा है, पहले यह समझना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के मन में उपजी भावना हिंसा नहीं है, वो निर्णय नहीं करेगी, मन की भावना निर्णय नहीं करेगी कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। हिंसा और अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका निर्णय वेद ही करेंगे। वे कहते हैं कि इस कर्म को करने में हिंसा है, ये कर्म करना अपराध है, तो वो अपराध है। भले ही आपको अपने दिमाग से, दिल से, हृदय से, मन से ये समझ में नहीं बैठे कि नहीं ये तो जो है धर्म नहीं है, ये अधर्म है, तो धर्म अधर्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, आपकी मन भावना और बहुमत नहीं है। वही लोग इतने कह रहे हैं, बहुमत ये निर्णय नहीं कर सकता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके निर्णायक तो वेद ही है। तो धर्म क्या है, हिंसा क्या है, अधर्म क्या है, अहिंसा क्या है, इन सभी बातों का, अदृष्ट पदार्थों का निर्णय वेद ही करते हैं। तो वे कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। वेद में प्रतिपादित जो विशेषण, आलभन, संज्ञापन है, बलिदान का विधान है, वो हिंसा नहीं है। मनमाने रूप से करना हिंसा है। धर्म क्या है, तो वेद प्रणहितो धर्म य धर्मस्तद विपर्य। वेद जिसका विधान करते हैं वो धर्म है, और वेद जिसके लिए मना करते हैं, निषेध करते हैं, वैदिक सिद्धांत से जो निषिद्ध है वो अधर्म है।
ये धर्माधर्म की बड़ी सरल व्याख्या है श्रीमद् भागवत में। इस दृष्टि से हिंसा आदि कर्म भी शास्त्र के द्वारा निर्णीत ही माने जाएंगे। वे कहते हैं, वेद कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जो वैदिक कर्मों में प्रयुक्त होने वाली जो विशेषण आदि क्रियाएं हैं, बलिदान की क्रियाएं हैं, वो हिंसा नहीं है। उनका विधान विधान सामर्थ्यात, विधान की सामर्थ्य से, जैसे यदि कोई राजा किसी निरपराध व्यक्ति को अगर दंड देता है, ताड़न आदि देता है या मृत्यु दंड देता है, तो उस राजा को अपराध लगेगा। यदि कोई अपराधी है और शास्त्र विधान करते हैं कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, इतना इतना अपराध करने पर इसको अमुक दंड देना चाहिए, ऐसे अपराधी को अमुक दंड का शास्त्र विधान करते हैं, तो वो दंड राजा अपने कर्मचारियों से अगर दिलवाता है तो राजा कोई पातकी थोड़ी हो जाता है, राजा अपराधी थोड़ी हो जाता है। वो तो जिसने जो अपराध किया है वो अपराध अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो उसको अवश्य भोगना पड़ेगा। और यदि उस अपराध का राजा के द्वारा शास्त्रोचित दंड यदि यहां दे दिया जाता है और वह भोग लेता है, तो वह जीवात्मा, वह जीव, वह व्यक्ति वो परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, फिर उसको प्रेत्य यानी मर करके फिर उस अपराध का दंड भोगना नहीं पड़ता, वो यहीं उसे शुद्ध हो जाता है। तो ये उसका हित है कि तुझे वहां ना जाने कितना मिलेगा, यमलोक में कितना दंड मिलेगा, और वो भी दंड ब्याज सहित मिलेगा, ब्याज जोड़ करके मिलेगा, और वो दंड यदि यहीं भोग लेता है तो कम में ही उसकी निष्कृति हो जाती है। इस दृष्टि से वो राजा उस जीव पर भी जो है उसका भी हित करता है। इसी दृष्टि से जिन जीवों का यज्ञ में विशेषण होता है वे जीव भी परम पद के अधिकारी हो जाते हैं, उनकी भी सदगति हो जाती है, ऐसा वेद कहते हैं। युद्ध आदि में अपनी जन्मभूमि की, अपने राज्य की, अपने देश की, अपनी महिलाओं की, गौ की, धर्म की रक्षा करते हुए चाहे कितने लोगों का वध करना पड़ जाए, वे क्षत्रिय निरपराध होते हैं। ऐसे युद्ध में सन्मुख शस्त्रों पर का आघात खा करके वीर गति को प्राप्त हुए क्षत्रिय जन भी, और ऐसे अश्व आदि भी, धर्म सम्राट लिखते हैं, ऐसे अश्व आदि भी, घोड़े आदि भी, युद्ध में जो घोड़े हाथी इत्यादि भी मारे जाते थे, वे भी सदगति के, वीर गति के, परम गति के परमाधिकारी होते हैं। क्योंकि क्या धर्म है क्या अधर्म है ये तो निर्णय वेद ही करेंगे, किसी की भावना और कोई व्यक्ति इसमें निर्णायक नहीं है। शास्त्र ही ये जो है परोक्ष है, ये केवल धर्म और ब्रह्म शास्त्रिक समधिगम्य है। वेद जिसको कहते हैं वही धर्म है, अन्यथा अधर्म है। इस दृष्टि से कोई भी शंकित ना हो कि वेदों में जो है हमारे यहाँ बलि का विधान नहीं है या वो ये है, ये अलग बात है। शास्त्रों में विधान है, मुक्त कंठ से इस बात को कहना चाहिए, और वह अधर्म नहीं है। परंतु हमारे यहाँ त्रिकालज्ञ महर्षियों ने हर युग की अलग अलग मर्यादाओं को, सीमाओं को सीमित किया गया है। उन्होंने युग धर्म प्रतिपादित किए हैं, कौन से कार्य किस युग में विशेष रूप से होंगे और किस युग में निषिद्ध होंगे। इस दृष्टि से प्रायः वैदिक यज्ञ जो कि सोम संस्थाएं, हविर संस्थाएं, पाक संस्थाएं इत्यादि, सप्त पाक संस्था, सप्त सोम संस्था, सप्त हविर संस्था इत्यादि और भी वैदिक यज्ञ हैं, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास, अग्निष्टोम, सोमयाग, राजसूय, अश्वमेध,
वाजपेय, नरमेध, गोमेध, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम आदि वैदिक यज्ञ हैं, तो इन वैदिक यज्ञों का कलयुग में करने का निषेध है। पाक संस्था कुछ हैं इनमें से जो कलयुग के लिए विहित की गई हैं, कलयुग में भी हो सकती हैं, अन्यथा कलौ वर्ज प्रकरण में वैदिक यज्ञों को निषिद्ध किया गया है। तो वहां होने वाली ये जो बलिदान आदि क्रियाएं हैं वे भी निषिद्ध हैं। सामान्य रूप से कलयुग में ये जो विशेषण आदि की क्रियाएं हैं ये ब्राह्मणों के लिए और मुख्य रूप से क्षत्रिय आदि के लिए भी ये निषिद्ध ही की गई हैं। तो ये जो बलिदान था इसकी जगह पर श्रीफल, कूष्मांड आदि की बलि ब्राह्मण लोग देवें, परंतु ब्राह्मण लोग नारियल को या कूष्मांड आदि को छेदन नहीं करें, किसी शस्त्र के द्वारा उनका त्रोटन, उनको काटना, छेदन करना न करें, वैसे ही देवता को समर्पित करें। और क्षत्रिय आदि कूष्मांड आदि का विधिवत मंत्र पूर्वक बलिदान दे करके उनका छेदन करके देवता को निवेदन करें। बलिदान भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। देवताओं की पूजा भी तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। भगवती दुर्गा की तीनों प्रकार की पूजाएं जो है प्रसिद्ध हैं आगम ग्रंथों में। देखिए कालिका पुराण का एक जो उदाहरण देते हैं, ब्राह्मणेन सदा देयम कूष्मांडम बलिकर्मणि श्रीफलम वा सुराधीश छेदम नैव तु कारये। ब्राह्मणेन माने ब्राह्मण के द्वारा कूष्मांडम बलिकर्मणि सदा देयम, बलिकर्मणि बलिकर्म में जहां भी किसी भी कर्म में बलि का विधान है तो वहां कूष्मांड आदि की बलि देनी चाहिए। श्रीफल की, श्रीफलम वा सुराधीश, हे सुराधीश अथवा श्रीफल माने नारियल की बलि यानी भेंट देवता को निवेदन करना चाहिए। परंतु छेदनम नहीं में तो कह रहे, इनका छेदन नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, किसी भी देवी देवता के पास में यदि नारियल आप ले जा रहे हैं और आपका वर्ण यदि ब्राह्मण है तो वहां छेदन न करें, देवता के पास में जाकर के सीधा साबुत नारियल ही समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि कालिका पुराण में कह रहे हैं कि छेदम नैव तु कारये ब्राह्मणेन सदा, ब्राह्मण के द्वारा उस बलि का छेदन नहीं करना चाहिए। यह विधान कलयुग का है। अथवा दधिमाश की बलि, माश माने उड़द होता है, माश भक्त बलि, दधिमाश भक्त बलि, या जो है दध्यक्षत बलि, पायस बलि, गुड बलि इत्यादि बलि का निवेदन भी किया जाता है। और क्षत्रिय आदि लोग कूष्मांड आदि का छेदन करें। रंभेसु नारिकेलंच गुवाकम कंटकी फलम उर्वारुकम करंजंच छेदये छुरका देना। ये जो फल बताए गए हैं, इक्षु यानी गन्ने का, रंभा रंभेक्षु, रंभा माने केला, कदली, कदली बलि भी दी जाती है, नारिकेल, गुबाक एक जो है यानी सुपारी आदि की बलि भी, कंटकी फलम, कंटकी फलम माने कटहल आदि की भी बलि दी जाती है। कटहल जो है, एक बात और बता दें आपको कि कटहल हविष्यान्न में ग्रहण किया गया है। कटहल को फल के रूप में जहां हविष्यान्न जैसे व्रत में कोई फलाहार करता है वहां भी उसका भक्षण किया जा सकता है। जैसे कोई व्रत है और फल फलाहार पूर्वक व्रत रहते हैं तो वे, इसको कहा जाता है शास्त्रों में हविष्यान्न भक्षण रूप व्रत, तो उसमें हविष्यान्न में पनस फल का ग्रहण होने के कारण, कंटकी फल का ग्रहण होने के कारण वो उसको भी खाया जा सकता है।
तो इसका बलिदान भी होता है। उर्वारुकम यानी ककड़ी और खीरा और जो है खरबूजा आदि, इनकी भी बलि दी जाती, करंज की भी बलि दी जाती है, और इनको छुरिका से तलवार से छेदन करके देवता को निवेदन करें। कलयुग में क्षत्रिय और वैश्य आदि कुछ जाति विशेष शूद्र आदि हैं, वे वैसी भी बलि दे सकते हैं, और न दें तो इसकी जगह पर ऐसी बलि भी वे भी देवें तो उनके लिए शास्त्रों में विकल्प है। परंतु यदि कोई मोह में पड़ करके कोई ब्राह्मण आदि किसी भी देवता को यदि मदिरा देता है, मदिरा चढ़ाता है, या जो है बलिदान करता है, विशेषण करता है, तो वो अपराधी है, ऐसा कलयुग में निषिद्ध है। कालिका पुराण का ही वचन है, मद्यम दत्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्या देवहीयते स्वगात्र रुधिरम दत्वा ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्। ब्राह्मण तु मद्यम दत्वा, ब्राह्मण यदि कोई मदिरा देवता को समर्पित करके, देवता को दे करके, माने कुछ उग्र देवता है भैरव आदि, जिन पे शनिवार शनि को भी कहीं कहीं भैरव को या कोई और भी लौकिक ग्राम में देवता है, वहां लोग मदिरा का प्रयोग करते हैं, परंतु ये ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण किसी भी देवता के ऊपर मदिरा जो है देता है, मदिरा निवेदन करता है, तो ब्राह्मण्यात एव हीयते, वो अपने ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है, अपने ब्राह्मणत्व को खो बैठता है। अगर कोई स्वगात्र रुधिरम दत्वा, अपने गात्र को, अपने शरीर को काट करके कोई अपना जो है खून देता है कोई ब्राह्मण, तो वो ब्रह्म हत्या से लिप्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या मवाप्नुयात, ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। इसलिए ये सब कुकृत्य नहीं करना चाहिए। श्री मार्कंडेय पुराण में जहां श्री दुर्गा सप्तशती का विवरण है, वहां 13वें अध्याय में जहां सुरथ वैश्य, साधु वैश्य और सुरथ राजा का जो है चरित्र है, वहां बताया गया है कि वे 3 वर्ष तक मेधा मुनि के द्वारा बताई गई विधि से भगवती का अर्चन पूजन ध्यान करते थे, और अपने गात्र को काट करके, अपने शरीर को काट करके, और वो रक्त की बलि भगवती को देते थे। ये 13वें अध्याय में स्पष्ट है, आप सब जानते हैं कथा, पंडित लोग जो है इसको दुर्गा पाठ करते हैं, वहां लिखा हुआ है स्पष्ट, आपने सुना होगा। फिर भगवती प्रसन्न हुई और उनको वांछित फल भी दिया। वे क्षत्रिय और वैश्य थे, और अन्य युग की बात है, सावर्ण ही सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमा निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गदतो ममा, वो सावर्णी मनवंतर की चर्चा है। तो इस दृष्टि से कलयुग में ये चीज निषिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्ति को सात्व की पूजा ही करनी चाहिए। द्विज जातियों के लिए मुख्य रूप से सात्व की पूजा ही बतलाई गई है, और द्विजेतर लोगों के लिए तामसी पूजा का भी विधान है। बलिमांसाद भिर्देया विप्रवर्ज्या मयेरिता, ये भी जो है रहस्य में आता है। तो ये ब्राह्मणों को छोड़ करके, द्विजों को छोड़ करके अन्य लोग बलि आदि जो तामस पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार, मनमाने क्रम से नहीं, हमारे यहाँ जो भी बलिदान का विधान है वो शास्त्र के अनुसार ही है। यदि कोई मनमाने ढंग से करता है, अपने जिह्वा लौल्य के कारण करता है या अन्य किसी कारण से करता है, तो वो पाप का भागी हो जाएगा। वो तो विधान सामर्थ्यात्, विधान सामर्थ्य से ही वो दोषी नहीं होता है। तो इस दृष्टि से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के लिए सात्विकी और राजसी पूजन का विधान है, जहां जीवों का विशेषण आदि नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है
नारिकेल कूष्मांड आदि ही निवेदन करना चाहिए। यदि ये द्विज लोग तामसी पूजा भी करते हैं तब भी वे इस बलिदान को न दे करके, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कांसे के पात्र में नारियल का जल रख दें तो वो मदिरा के समान माना जाता है, तो वो गर्भोदक उसको देना चाहिए। यदि दूध में नमक मिला दिया जाए तो वो मदिरा के समान हो जाता है, वो दे देना चाहिए। यदि कहीं मांस का विधान है तो मां उड़द को देवे, उड़द का भात बना करके, अथवा पायस यानी चरु खीर में यदि नमक मिला दिया जाता है तो वो भी मांस के समान हो जाता है, तो उसको निवेदन करे। यदि ताम्र के पात्र में मधु रख दिया जाए तो वो भी मदिरा के समान हो जाता है, उसको निवेदन करे। परंतु ऐसी साक्षात मदिरा सुरा और जीवों का विशेषण करके ये जो है मांस आदि का निवेदन नहीं करें। शूद्र आदि कर सकते हैं, विकल्प है, न करें तो उनके लिए भी अच्छा है, ये शास्त्रों में विधान है। परंतु अन्य युगों में वैदिक कर्मों में और अन्य कर्मों में उनके द्वारा प्रतिपादित, शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित इन कर्मों का, बलिदान का, विशेषण का, आलवन का विधान था, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। हर हर महादेव।